आज बहुत अफसोसनाक खबर सुनी सुबह को 6 बजे कि श्री देवेंद्र राणा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा उनसे बहुत बड़ा ताल्लुक था, उनके वालिद से ताल्लुक था बेसिकली। पहले उनके मेरे वालिद के साथ भी अच्छे ताल्लुक थे, वो चीफ इंजीनियर थे, तो बड़े काम किए मेरे वालिद के वक्त में, और इनसे उमर साहब का बहुत लगाव था। हमारी पार्टी के जम्मू में सबसे बड़े अहदेदार थे और जमात को काफ़ी मजबूत बनाया उस जमाने में। बोलने भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, लोगों से अच्छा ताल्लुक रखते थे, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि 2021 में इनको हमारी जमात को छोड़ना पड़ा, और उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि हम कहेंगे कि वो हमारे लिए मुश्किल थी। उन्होंने एक जमात को शामिल किया, उसके लिए उसको बोलना पड़ा था, मगर नेकी कभी भूली नहीं जाती है, और नेकी हर वक्त इंसान को याद रखनी चाहिए, और ख़ासकर जब वो इस दुनिया से चला जाए सब चीज़ें भूल जानी चाहिए, उसके लिए मगफरत मांगनी चाहिए। और आज हम सबको दुख है, मेरे ख़ानदान में दुख है, मेरी उम्र मेरे भाई बेटे को दुख है, उनके बहुत करीब था, और जब आज चले गए हैं हम सबको उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह उसकी रूह पे रहम करे, उसके गुनाहों को अफू करे, और उसे ख़ानदान को हिम्मत दे, ताकत बख्शे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। उनकी बेगम है, 2 बच्चियां हैं, बेटा है, मैं उम्मीद करूँगा कि उनकी बेगम संभाल लेंगे, और बच्चों के अभी बच्चियों के हाथ रंगे नहीं गए थे, वो भी उन बच्चों को बहुत अफसोस होगा कि हमारे वालिद हमें विदा करते हैं, मगर जो अल्लाह को मंजूर होता है उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, जो आया है उसको जाना है, और ये उसका ये हर वक्त हमें याद रखना चाहिए, और यही हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है उसके लिए, और हम सब पे जो उनको जानते थे उनको हिम्मत दे कि बर्दाश्त कर सकें और आगे चले। शुक्रिया।